दिल में आग जली है और अब भी जल रही है। ये बदले की आग आज भी जल रही है और ये आग ज्वालामुखी में बदलना चाहती है, जो काट काट कर तहस नहस कर देगी और उसी आग में भस्म कर दूंगा। Let's go! Peace, bro. मर्सल जो कि 2017 की तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है अतिली ने और लिखा है अतिली, के वी विजेंद्र प्रसाद और एस रमन्ना गिरिवासन। इस फिल्म में विजय ने ट्रिपल रोल का किरदार अदा किया है और इसके बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड ट्रैक के मेन कंपोजर है एआर रहमान। मर्सल जो कि 2017 तमिल फिल्म में सबसे धूम मचाने वाली फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म के मुख्य किरदार में विजय, समंथा अक्किनेनी, नित्या मेनन, काजल अग्रवाल, वेदी वेल्लू, एस जी सूर्या, सत्या राज और भी कई लोग हैं। मर्सल जो कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक बन चुकी है। इस फिल्म का बजट था 120 करोड़ पर यह बॉक्स ऑफिस में 250 करोड़ के पार पहुंच चुका है। अब चलिए बात करते हैं इस फिल्म के कहानी के बारे। कहानी कुछ ऐसा है, पहले एक एम्बुलेंस ड्राइवर, एक मेडिकल ब्रोकर, हॉस्पिटल का एचआर जो कि पसंगा शिव कुमार है और एक सर्जन बहुत ही अद्भुत तरीके से गायब हो जाते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में कुछ स्टोरी का आता पता समझ में ही नहीं आता, चारों तरफ से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन कौन रोल निभा रहा है, क्या चल रहा है, पर धीरे 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 करके एक एक गुत्थी सुलझती जाती। वहीं पे सत्यराज जो कि तमिलनाडु पुलिस का किरदार निभा रहे हैं, वो भी शक के बिना पर हम सकल को पकड़ते हुए कंफ्यूज हो जा रहे। तो पहले सत्यराज पकड़ लेते हैं मारान को, जो कि एक डॉक्टर होते हैं, 5 रुपए वाले डॉक्टर, स्पेशली वो चर्चित है पूरे देश में। जहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है कि उनको किसी फंक्शन के लिए इनवाइट किया जाता है, तो पेरिस एयरपोर्ट में देखा जाता है कि वो झट से जान बचा देते हैं एक लेडीज का, जो कि अचानक से उनको कुछ हो जाता है। वहीं पे मारान अपने सेमिनार खत्म होने के बाद अर्जुन जराचार्य मतलब हरीश पिराडी को मिलते हैं, जो कि और एक डॉक्टर होते हैं चेन्नई से, जो कि आगे जाकर उनके साथ काम करते हैं। पर उसी बीच जहाँ पे वो पल्लवी और उसके बॉस अर्जुन जराचार्य को बुलाते हैं एक मैजिक शो में, यहाँ पे अर्जुन का मर्डर मैजिक शो के दौरान हो जाती है। इस खबर को सुन के अर्जुन के फ्रेंड डैनियल आरोक्य राज को शॉक लगती है। फिर आगे जाकर मारान घर लौटते हैं, फिर उनके जो असिस्टेंट होते हैं वाडी, वो पता लगता है कि वही इन सब मर्डर्स के पीछे होते हैं, वही मेन कातिल का हेल्प करते हैं। यहाँ पे एक्चुअल टारगेट डैनियल आरोक्य राज, उनको मारने के चक्कर में डैनियल के आदमी मारान को पकड़ने लगते हैं। पर इसी बीच वेट्री सामने आते हैं, जो कि असली कातिल होते हैं। वेट्री जो कि एक्चुअली में मारान के भाई होते हैं, वेट्री आगे जाकर उनसे लड़ते वक्त सत्यराज के हाथ में आ जाते हैं और वही रिवील करते हैं कि इन सब मर्डर्स के पीछे उनका हाथ, वही वो मैजिशियन थे जिसने अर्जुन को पेरिस में मारा था, क्योंकि वेट्री हम सकल है मारान के, इसका फायदा उठाते हुए वो हर मर्डर कर रहे हैं। फिर डैनियल पहुंच जाते हैं कि एक्चुअली में उन्हें लगता है मारान मार रहा है, तो इसी वजह से वो सरला और तारा को पकड़ लेते हैं कि वो मारान को उसके बदले में पा सके और उन्हें मार सके और उसके साथ साथ वेट्री को भी मार सके। इस बात का पता चलता है वडीबू को और वो जाके तुरंत वेट्री को बोलते हैं। वहीं पे सलीम घुस पहुंचते हैं रत्नावेल इस बात का सच्चाई जानने के, पर अब तक ये नहीं पता चलता कि वेट्री क्यों मारना चाहता है डैनियल को, और अगर वेट्री मारान का भाई है तो वो क्यों छिपा हुआ, क्या कारण है। इस बात का पता चलता है आगे इंटरवल में, जहाँ पे विजय वेट्री मारान का किरदार निभा रहे हैं, एक रेसलर जिनकी बीवी है ऐश्वर्या मतलब नित्या मेनन, जहाँ पे वो पंजाब में दिखाई देते हैं। फिर बाद में वो अपने घर मनु मतलब मदुरई डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे आ जाते हैं और एक बच्चे को जन्म देती है जिनका नाम होता है मार। एक दिन गाँव में त्योहार था तो वेट्री मारान भी गए हुए थे, तो वहाँ पे एक फायर एक्सीडेंट होता है जिस वजह से बहुत लोग आहत होते हैं, पर गांव में हॉस्पिटल नहीं था, बहुत दूर था, तो इसी वजह से बहुत लोगों की मौत होती है। यहीं पे वेट्री मारान को लगा कि गांव में एक हॉस्पिटल खुलना चाहिए। उन्होंने एक हॉस्पिटल बनवाया जिस हॉस्पिटल के मुख्य थे डैनियल और अर्जुन, वही डैनियल और अर्जुन जिसके पीछे वेट्री लगे हुए हैं, जिनमें से अर्जुन को वेट्री
मिलिट्री ने मार दिया। तो बाद में डैनियल और अर्जुन ने उस हॉस्पिटल की ओनरशिप अपने नाम करवा ली वेटरी मारान से धोखेबाजी करके। उनका मकसद तो ये था कि उस हॉस्पिटल से बहुत पैसे कमाए जाएं। इसी बीच ऐश्वर्या को दूसरा बच्चा होने वाला होता है तो वो उसी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, पर ज्यादा पैसों के लिए उनकी नॉर्मल डिलीवरी को सीजेरियन में बदल देते हैं, जिस वजह से उनका केस और भी सीरियस हो जाता है। वो बच्चे को जन्म तो देती है पर डॉक्टर कहते हैं कि वो पूरी तरीके से जन्म नहीं हुआ है और ज्यादा एनेस्थीसिया के कारण ऐश्वर्या की मौत हो जाती है। पैसे की लालच की वजह से दोनों अर्जुन और डैनियल विलेनगिरी पे उतर आते हैं। इसी वजह से वेटरी मरन उनको मारने के लिए जाते हैं, पर वो उनको मारे उससे पहले ही डैनियल और उसके आदमियों ने वेटरी मरन को मार दिया। ग्लास बॉटल भी फोड़ देते हैं मारान के मुंडी में, इस वजह से वो सब कुछ भूल जाता है जो भी हुआ था, क्योंकि एक्चुअली में उनका सही तरीके से जन्म हुआ था। बाद में उनको सलीम घोष गोद लेते हैं और उनको सभी मैजिक ट्रिक्स सिखाते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट में, तो ये सारी बातें जब मारान को पता चलती है दोनों आपस में मिल जाते हैं और अपने बाप के बदला लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये तो मैं नहीं बताऊंगा वो लोग कैसे उन्होंने अपने बाप का बदला लिया है, पर ये जरूर बताऊंगा कि ये क्लाइमैक्स सीन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे तो बहुत जबरदस्त लगी, आपको भी लगेगी जब आप ये फिल्म हिंदी डब में देखेंगे। इस फिल्म का हिंदी डब बहुत ही जल्द आने वाला है। क्लाइमैक्स के बारे में बताकर मैं मजा किरकिरा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ये मूवी जरूर देखें। इस फिल्म में विजय ने तीनों रोल बखूबी से अदा किया। अगर हम रेटिंग्स की बात करें तो IMDb ने इसे रेट किया है 8.3 आउट ऑफ 10 और गूगल यूजर्स की मैंने तो 90% लोगों ने इसे पसंद किया। मैं इस फिल्म को रेट करना चाहूँ 8.5 आउट ऑफ 10। आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा और रेट कीजिए कमेंट सेक्शन। दिल में आग जली है और अब भी जल रही है, ये बदले की आग आज भी जल रही है और ये आग ज्वालामुखी में बदलना चाहती है, जो काट काट कर तहस नहस कर दे और उस